में मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, वो आपको मिलेंगे जो भी चार बच्चे, चलो चार नहीं रखते हैं, लेट अस तीन रखते हैं, जब इस क्लास में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर होता है ना, चलो जो भी फर्स्ट तीन बच्चे जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उनका आंसर करेक्ट, ठीक है, मैं अगले वीडियो में जब जो चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो आएगी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें मैं उनके नेम को शाउट आउट देने वाला हूँ, ठीक है। जब आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे ना कि भैया हाँ इसमें क्या क्या है, इसमें पंख है या फिर ये चल सकता है उड़ सकता है, तो क्या कर रहे हो आप, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो ना, तो इसको सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन होता है। जो भी आधे घंटे तक, अभी वीडियो आ गई आपके पास, आधे घंटे तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है, देन आई विल लाइक योर कमेंट, अगर आपका आंसर सही होगा तो आई विल गिव यू हार्ट ऑल्सो, ठीक। स्टेप वाइज अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है पता है ना, किंगडम फाइलम है ना, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ऑर्डर में याद है, और ये जो पर्टिकुलर है जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी है और फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, तो ये तो याद होंगे, ठीक है। तो इन कैटेगरीज का स्टेप वाइज अरेंजमेंट किसके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये सेंटेंस बिल्कुल हेलो एवरीबॉडी, माइसेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर नीट और AIPMT क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पिछले सालों में क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे मैंने ले लिए, मतलब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो अब यहाँ पर नीट AIPMT क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली जब वो डिस्कस कर रहे हैं तो वही होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2009 से मैंने लिया है, 2009 से वी हैव टेकन द क्वेश्चंस, ठीक। चलो आ जाओ, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस आप कह सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब एक याद रखना चीज के जैसे ही आप क्वेश्चन देखो ना, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन अटेंड करना, हो सके तो कमेंट में आंसर कर देना, जैसे कि आपका जो है ना प्रैक्टिस टाइप होता जाएगा, है ना, तो वो सही रहेगा, है ना, तो प्रैक्टिस करना मतलब, ठीक, क्वेश्चन अटेंड करना, नहीं हो रहा है तो वीडियो सॉल्यूशन देखना, तो वो सही रहेगा ना। चलो, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, तो रॉयल बोटैनिकल गार्डन ये तो नहीं है, क्योंकि जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है दैट इज लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। इंडिया में है इंडियन बोटैनिकल गार्डन। अब उसकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो लखनऊ में प्रेजेंट है या फिर हावड़ा में प्रेजेंट है। तो इंडियन बोटैनिकल गार्डन इज प्रेजेंट इन कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में है हावड़ा, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो डी होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो डी है इसका, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, चलो जल्दी फटाफट कमेंट में आंसर बताओ, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी 2009 ईयर में ही पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा, स्पीशीज, स्पीशीज इसका आंसर होना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज, बेसिकली ये पूछ रहा है कि आप टैक्सोनॉमी जब कर रहे हो तो उसमें देखो अपन ने पढ़ा था तीन प्रोसेस होती है, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है, मतलब जब आप टैक्सोनॉमी करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग या फिर क्लासिफिकेशन, बता। जब आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे ना कि भैया हाँ इसमें क्या क्या है, इसमें पंख है या फिर ये चल सकता है उड़ सकता है, तो क्या कर रहे हो आप, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो ना, तो इसका सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन होता है, कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद नेमिंग दैट इज नॉमेनक्लेचर, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन, है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप यानी कि फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इन रेंजेस बिटवीन, मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अभी ह्यूमंस को पता है कितनी है, NCERT में ये गिवन है, जिनने NCERT पढ़ी होगी उनको पता होगा और उनने आंसर बता दिया होगा, इट इज 1.7 to 1.8 मिलियन,
इसीलिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना एनसीईआरटी से. चलो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रॉन्ग. रॉन्ग पे अंडरलाइन कर देते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है. चलो देखते हैं एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड. पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, ये सही है, ये रूल है ना कि जब आप हैंड मतलब हैंड रिट हैंड हैंड जब आप कॉपी पे लिखोगे ठीक तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को, है ना, बायोलॉजिकल नेम जब आप लिखोगे तो वो रूल होता है. और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी कि ये अपना आंसर नहीं, वो तो रॉन्ग पूछ रहा है ना. चलो द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस. बिल्कुल पहला नेम जीनस ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये सेंटेंस सही है बट ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि वो गलत सेंटेंस पूछ रहा है. चलो द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड इट्स रिटन इन इटैलिक्स. बायोलॉजिकल नेम्स आर नॉट जनरली इन ग्रीक, दे आर जनरली इन लैटिन. यस दे आर जनरली इन लैटिन. ठीक है, हाँ, तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन नॉट इन ग्रीक. तो ये सेंटेंस गलत है और ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन है, द सेकेंड कॉम्पोनेंट इन अ बायोलॉजिकल नेम डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. बिल्कुल सही बात है, दूसरा कॉम्पोनेंट स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को ही तो डिनोट करता है ना. ठीक है, चलो अभी ये घुचुड़ पुचुड़ रब करते हैं और आंसर टिक करते हैं इसका. देखो इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड इज रिटन इन इटैलिक्स. ये जो सेंटेंस है वो गलत है, ये रूल ही गलत है. दे आर जनरली इन लैटिन और दे आर लैटिनाइज्ड. अगर वो लैटिन में नहीं है तो दे आर लैटिनाइज्ड. ठीक, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर वीट. वीट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है बताओ. अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको जो है ना वीट का टैक्सोनॉमिक हायरार्की पता होगा. तो मैंने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट्स, उसमें मैंने आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के सारे टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताई थी. तो वो आप अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो ऐसा करना कि जो भी एनसीईआरटी में जो भी इस चैप्टर में जो भी ऑर्गेनिज्म के नाम है उनके टैक्सोनॉमिक हायरार्की तो जरूर से जरूर याद रखना. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, देखो 2010 में ये क्वेश्चन आया है. अब जब तक आप उसका जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते हो ना. तो प्लीज़ गो फॉर इट. वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो उस वीडियो को. ठीक है, चलो तो फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा. Let us find out the answer. देखो इसमें आंसर होना चाहिए जीनस ट्रिटिसम फैमिली पोएसिए ऑर्डर पोएल्स और क्लास मोनोकोटिलेडने. हाँ ये आंसर होना चाहिए. यस दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वीट का जीनस होता है ट्रिटिसम, फैमिली होता है पोएसिए, ऑर्डर होता है पोएल्स और क्लास होता है मोनोकोटिलेडने. जिनको नहीं पता है वो अभी जाके नोट्स में लिख लो या कहीं भी लिख लो, लेकिन लिख लो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो प्लीज राइट इट. चलो आगे बढ़े, लिख लो भाई जल्दी फटाफट. वीट का है ये, जीनस ये है, फैमिली ये है, ऑर्डर ये है और क्लास ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सॉन डिफर्स फ्रॉम टैक्सा ड्यू टू. बताओ 2010 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल. टैक्सॉन टैक्सा से कैसे डिफर कर रहा है, क्या फैक्टर है जो डिफर कर रहा है, क्या डिफरेंस है टैक्सॉन और टैक्सा में. तो देखो टैक्सॉन जो है वो सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड है. देखो ये जो है ना ये सिंगुलर है और ये जो है ये प्लूरल है. तो क्या ऑप्शन होना चाहिए,
अब आपको ना ये दो तो कट गए, लेकिन ये दो में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, दिस बीइंग द सिंगुलर ऑफ टैक्सा, दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टैक्सा। तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दो दोबारा। ये बोल रहा है टैक्सॉन डिफर्स फ्रॉम टैक्सा ड्यू टू, यानी कि टैक्सॉन के बारे में पूछ रहा है कि टैक्सॉन कैसे डिफर कर रहा है। टैक्सॉन ऐसे डिफर कर रहा है कि भैया वो सिंगुलर है टैक्सा का, टैक्सा प्लूरल है, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, तो कौन सा आंसर है बताओ जल्दी, कौन सा आंसर है? दिस बीइंग द सिंगुलर ऑफ टैक्सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन बोटैनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, सबको आना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया था कोलकाता में है, हावड़ा कोलकाता, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज नोन एज, ये भी सबको आना चाहिए। सो मतलब नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था ना, ये नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ही इंटरब्रीड कर पाएंगे, और देखो प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, है ना, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जो है वो एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म कर पाएंगे, अलग अलग स्पीशीज के नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या होना चाहिए, स्पीशीज के एक ग्रुप है इंडिविजुअल का जो कि आपस में ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आपस में, तो वो कौन है, स्पीशीज, ठीक है, उस ग्रुप को स्पीशीज ही तो बोलेंगे, ठीक है। चलो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो यार कमेंट में जाके पूछ लेना, ठीक है। द वर्ड फाइलम इन टैक्सोनॉमी वॉज कॉइंड बाय, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ जल्दी। द वर्ड फाइलम इन टैक्सोनॉमी वॉज कॉइंड बाय कौन से साइंटिस्ट थे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इसका आंसर है जी एल क्यूबियर, ठीक है। तो अब जिनको नहीं पता, नया एकदम बिल्कुल लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, तो लिख लो और याद रख लो, ठीक है, नोट्स में लिख लो याद रख लो बस। आगे बढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू, ये क्वेश्चन भैया एम्स में भी पूछा गया था, एम्स के एग्जाम्स में पूछा गया था, आई थिंक सो एम्स 2012 समथिंग कुछ था, हाँ एम्स 2012 में पूछा गया था ये, ठीक है। चलो तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पूछ रहा है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, लेट अस रीड द ऑप्शंस फर्स्ट। स्टेप वाइज अरेंजमेंट, एक मिनट पेन कहाँ गई, हाँ, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मुझे सही लग रहा है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है पता है ना, किंगडम फाइलम है ना, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ऑर्डर में याद है, और ये जो पर्टिकुलर है जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी है और फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, तो ये तो याद होंगे, ठीक है। तो इन कैटेगरीज का स्टेप वाइज अरेंजमेंट किसके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये सेंटेंस बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। फिर भी अपन और देख लेते हैं, तो मतलब ये तो मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, और देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट्स, स्टेप वाइज अरेंजमेंट कैटेगरीज का ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट से क्या रिलेटेड है ना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, महा पाप कर दिया इस सेंटेंस ने बिल्कुल। अच्छा ये जो इसके बाद वाला है वो भी ऐसा ही है, ये दोनों भाई भाई। अ लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट, अरे बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट से क्या मतलब है यार, स्टेप वाइज अरेंजमेंट कैटेगरीज का करना है ना, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा लास्ट वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, ये फाइलोजेनी है ना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है कि नहीं, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेप वाइज मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पूछ रहा है, तो वो स्टेप वाइज अरेंजमेंट ही तो है ना, पहले किंगडम,
फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। स्टेप वाइज अरेंजमेंट किसकी? कैटेगरीज की। किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या है? फाइनली इसका आंसर है ए, फाइनली इसका आंसर है ए, ठीक है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट। चलो, विच इज नॉट करेक्ट? हायरार्किकल अरेंजमेंट। तो यहां पर भी देखते हैं क्या सीन है। तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए इसके लिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, कि सबसे पहले किंगडम आता है, देन उसके बाद फिर क्या आता है? फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, देखो सबसे पहले है किंगडम, देन है फाइलम या फिर डिवीजन, है ना, और किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ठीक। अब मैं यहाँ से लिख रहा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज, है ना। तो किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर मतलब नॉट करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर आपको चेक करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, क्लास, ठीक, फैमिली, ओके, जीनस, ओके, सो ये ऑर्डर तो सही है। पूछ क्या रहा है ये, देखो नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये पहले वाला तो करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, तो फाइलम पहले है, ऑर्डर है, फैमिली ऑर्डर में है ये, तो ठीक है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देखते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, बिल्कुल सही। एक मिनट, मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ओके, हाँ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो सबसे पहले क्लास आ गया, ये क्या कर दिया मैंने, सबसे पहले क्लास आ गया, देन ऑर्डर और देन फैमिली, ठीक, ओके, अच्छी बात है। फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, मुझे तो यही आंसर लग रहा है। अब जब सभी तो ये तो होगा, तो देख दो, फैमिली पहले, फिर क्लास बोल दिया, फिर ऑर्डर बोल रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय है, गलत, ऑर्डर ही गलत कर दिया, आंसर यही है। चलो येल्लो पेन रखते हैं अपन, है ना, रेड से छोड़ो, येल्लो, येल्लो, डर्टी फेल्लो, ठीक है। चलो अच्छा, ये कैसा है, ये ऐसा है, चलो चलो चलो, लेट अस गो, लेट अस मूव फॉरवर्ड। द फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ, इन विच वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ध्यान देना शब्द पे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। अभी देखा था, आंसर बनना चाहिए यार, ये मैंने अभी समझाया था ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या, किंगडम, फाइलम और जीनस, स्पीशीज, फैमिली हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, साथ ही तो है वगैरह वगैरह, ठीक। चलो अच्छा, तो फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर या फिर लॉजिकल सीक्वेंस। तो लॉजिकल सीक्वेंस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज, तो हायरार्की इसका आंसर होना चाहिए, हायरार्की इसका आंसर होना चाहिए, देखो हायरार्की इज द करेक्ट आंसर। चलो आंसर अपन टिक करेंगे रेड से, ठीक है, आंसर अपन रेड से ही टिक करते हैं, यहाँ पर इसको मिटाई दो, रेड से आंसर टिक कर दो। चलो आगे बढ़ो, हाँ, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक, शब्द पे ध्यान दें, विद सिमिलर ट्रेट्स इज, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक, कोई भी रैंक, विद सिमिलर ट्रेट, तो इसका आंसर टैक्सोन होना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी में गिवन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है, टैक्सोन। अच्छा टैक्सोन, जैसे मान लो
कि हमने सारे एनिमल्स को ग्रुप किया, ठीक है, सारे एनिमल्स का ग्रुप ले लिया, तो वो भी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन है, वो भी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन है, सारे एनिमल का ग्रुप एक टैक्सॉन है, अच्छा कुत्तों का ग्रुप उसको भी एक टैक्सॉन बोलेंगे, बिल्लियों का ग्रुप उसको भी एक अलग टैक्सॉन बोलेंगे, अच्छा अगर बिल्लियों के बच्चे ले लिए और उन बच्चों को एक ग्रुप में कर दो तो वो भी एक टैक्सॉन हो जाएगा यार, यानी कि कोई भी रैंक हो सकती है, लेकिन सिमिलर ट्रेट्स होने चाहिए, और वहां पर ग्रुपिंग कर रहे हो अगर ऑर्गेनिज्म की तो उस ग्रुपिंग को बोल देंगे टैक्सॉन, ठीक, प्लूरल वर्ड टैक्सा, ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब स्पीशीज, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड, ऑप्शन सी द डायरेक्ट आंसर, देखो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं हो सकता, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब वो रिप्रोडक्शन ही कर सकते, तो गलत है यार, स्पीशीज कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, है ना, हाँ ये मैं भूल गया कि आंसर अपन को टिक करना था रेड से, चलो रेड से कर देते हैं, कैन इंटरब्रीड, दे कैन इंटरब्रीड, ठीक है, ठीक आगे बढ़े, चलो द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दिस शुड बी, मतलब ये जो क्वेश्चन है एकदम तुरंत आ जाना चाहिए मन में आंसर, बिना ऑप्शन पढ़े, जिनके बच्चे मतलब जिनके मन में आ गया है तो वो सच में अच्छा पढ़ लिया तुमने चैप्टर, ठीक है, हाँ द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताओ, जिन्होंने लीनियस सोचा है वो बिल्कुल गलत है, जिन्होंने लीनियस सोचा है वो बिल्कुल गलत है, टैक्सोनॉमी के बारे में पूछ रहा है ना कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, अच्छा इसका आंसर है डी कैंडोले, एपी डी कैंडोले, जिनके लिए ये नया है कृपया अपने नोट्स में लिखें, ठीक है, एपी डी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन दी थी और टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ बॉटनी, ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए भैया, ये जिसने कर दिया वही सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन की तरह, ये जिसने कर दिया उसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, बताओ जल्दी वॉट इज द आंसर, फादर ऑफ बॉटनी हाँ थियोफ्रास्टस, अरे बिल्कुल आगे बढ़े, चलो थियोफ्रास्टस करेक्ट आंसर, अच्छा एरिस्टोटल किसके फादर हैं कृपया कमेंट में बताएं, कैरलस लीनियस किसके फादर हैं ये भी कमेंट में बताएं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सो लेट अस टेक द आंसर, आंसर इज थियोफ्रास्टस, चलो हाँ, विच नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय लीनियस, अभी मैंने बता दिया था यार, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेम द टैक्सोनॉमी रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था, मैंने जब पहली बार अटेम्प्ट किया था ना देन आई वॉज नॉट नोइंग दिस, ठीक है, तो इसका आंसर है भैया अल्फा टैक्सोनॉमी, जिनको नहीं आया तो वो सीधी सी बात है यार, इसको लिख लो नोट्स में लिख लो, याद रख लेना कि क्या होता है ना अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक आगे बढ़ें, चलो अब आगे मैचिंग मैच द कॉलम्स, 2011 का ही क्वेश्चन है यार, चलो लेट अस सी, अच्छा ये कॉमन नेम है और ऑर्डर, तो यहाँ पर भी आपको सीन थोड़ा सा पता होना चाहिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पता होना चाहिए, चलो आ जाओ देखो, सबसे पहले वीट का अभी अपन ने देख ही लिया था, वो पोएल्स है, वीट का क्या है पोएल्स, एक मिनट, वीट का जो है पोएल्स सही नहीं बन रहा, हाँ वीट का जो है पोएल्स है, थोड़ा बहुत सही हो गया, ठीक है चलो, मैन का अपन को पता है प्राइमेटा होता है, तो अभी देख लेते हैं अपन ऑप्शंस, ए का फोर ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन मर गया, ए का फोर ठीक है, ये भी ऑप्शन मर गया और ये भी ऑप्शन मर गया, बचे ये दो ऑप्शन ए का फोर, अच्छा डी का क्या था, डी का वन है, यानी कि ये दोनों में डी का वन है ही, तो अब अगर आप मैंगो का देखो ना, तो मैंगो का भैया सैपिनडेल्स होता है, जिनको नहीं पता लिख लो, सीधी सी बात है, नहीं पता लिख लो यार, और हाउस फ्लाई का डिप्टेरा होता है, ये गुचुड़ पुचुड़ हो चुकी है, इसलिए अब अपन सीधे कहाँ चलें, अरे बताओ रेड पे चलते हैं, ये पतला है, अच्छा मैंगो का सैपिनडेल्स, चलो देख लो
बी का थ्री है, बी का थ्री इसमें भी है, अच्छा इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, तो आंसर इसका बी होना चाहिए, आंसर इसका बी होना चाहिए, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, बताओ। इसके लिए भी आपको ऑर्डर आना चाहिए, सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, सॉरी ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस, ओहो स्पीशीज। तो फैमिली किसके बीच में है? ऑर्डर और जीनस के, ऑर्डर और जीनस के। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दोबारा बताएं, दोबारा देखो, किंगडम, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फैमिली के बारे में पूछा है कि फैमिली किन के बीच में प्लेस्ड है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो कौन कौन है भैया? ऑर्डर और जीनस, ऑर्डर और जीनस, ऑर्डर और जीनस, ऑर्डर और जीनस। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज अटेंड द क्वेश्चन, आंसर बताएं। हाँ चलो अब हम अटेंड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अच्छा, ह्यूमंस द प्राइमेटा, लेकिन ये ऑर्डर होता है, ये फैमिली नहीं है, ये ऑर्डर है, यानी कि ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता है ना, तो ये लो, ये तो मर गया। चलो, हाउस फ्लाई, मस्का एंड ऑर्डर, अपन को नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अपन को हाउस फ्लाई का मान लो नहीं पता तुम्हें, तो थोड़ा आगे बढ़ लो। टाइगर, टाइगर इज द स्पीशीज, ये सही लग रहा है, टाइगर का तो यार याद होना चाहिए ना तुम्हें, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, मैं लिख देता हूँ, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, जहां पर टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज हो जाएगा, पैंथेरा जो है वो जीनस हो जाएगा, यानी कि यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, ओके, इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा है, अब एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक, अब ओके ओके, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। चलो देखते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस आइसोलेट कर रहे हो, मतलब बाहर करवा रहे हो, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हीं रिएक्शन को आप बाहर करवा सकते हो, या बिल्कुल करवा सकते हो। ओके, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, हाँ कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्सक्लूसिव नहीं है ना, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, अगर तुम देखोगे तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, यानी कि ये किसकी बात कर रहा, ये किसकी बात कर रहा, कॉन्शियसनेस की, और यही जो है ना, आप दे बताओ मेरे को, लिविंग थिंग्स के अलावा कॉन्शियसनेस और किस में होती है बताओ? कॉन्शियसनेस मतलब जैसे मैंने आपको मारा, आप मुझे मारोगे, मतलब आपने फील किया ना कि मैंने आपको मारा, अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आप मारने जाओ तो वो उल्टा आपको थोड़ी मारेगी, मारती है क्या? नहीं भाई, किसी को मारा हो तो ज़रा कमेंट में बताना प्लीज़, है ना, तो शायद डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ना हो कॉन्शियसनेस फिर, है ना। चलो, अभी तक तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स ये एक एक्सक्लूसिव है, क्योंकि लिविंग थिंग्स के अलावा ये और किसी में नहीं होता। इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली, अगर ये वाला ऑप्शन आप देखोगे तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आई होप आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक। चलो, ट्रू डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, ट्रू डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग शब्द पे आप अंडरलाइन करें, ध्यान दें, जोर दें, ठीक है। अच्छा, दे डाइजेस्ट देयर फूड, दे कैन रीजनरेट
दे रिप्रोड्यूस, हाँ, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्या बताया, वही कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, अरे हटो यार, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है भैया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द ट्रू डिफाइनिंग फीचर। देखो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स नहीं है, है ना, दे कैन रीजनरेट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, दे कैन रीजनरेट, बट डिफाइनिंग फीचर चाहिए अपन को, दे डाइज देयरफॉर बिल्कुल बात है, लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस वाला है ये और किसी में पाया ही नहीं जा सकता, किसी में भी नहीं पाया जा सकता, ठीक है, ये ट्रू डिफाइनिंग फीचर है। चलो आगे बढ़े, हाँ इसका आंसर जरा ट्रिक मतलब टिक कर दें, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। चलो 25th क्वेश्चन, अ टैक्सोनॉमिकल एड, एक टैक्सोनॉमिकल एड्स पे आ गए, विच इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, बताएं आंसर, बताएं कमेंट में आंसर बताएं, जो भी आधे घंटे तक, अभी वीडियो आ गई आपके पास, आधे घंटे तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है, देन आई विल लाइक योर कमेंट, अगर आपका आंसर सही होगा तो आई विल गिव यू हार्ट ऑल्सो, ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं, लेट अस सी हु विल गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना, चलो, टैक्सोनॉमिकल एड विच इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज, इसका आंसर भैया कीज है, कीज क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई भी मतलब एक ऑर्गेनिज्म मिला, मान लो एक बर्ड टाइप का मिल गया आपको, ठीक है, एक बर्ड टाइप मान लो, ठीक है, वो दिख ऐसा रहा, उसके दो पैर हैं, कुछ पंख से, तो आप देखोगे कि अब आप ये पूछोगे, मतलब ये सोचोगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए कि अच्छा अगर इसके पंख हैं तो ये उड़ सकता है या फिर नहीं उड़ सकता, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए ना, आप कंपेयर कर रहे हो, तो और इनको ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना, इनको कपलेट्स बोलते हैं, समझ रहे हो, इनको कपलेट्स बोलते हैं, ठीक, अच्छा चलो, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो कीज करते हैं, याद रख लेना, वैसे एनसीईआरटी में गिवन है, आई होप के ज्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लास्ट में मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगा, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, वो आपको मिलेंगे जो भी चार बच्चे, चलो चार नहीं रखते हैं, लेट अस तीन रखते हैं, जब इस क्लास में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर होता है ना, चलो जो भी फर्स्ट तीन बच्चे, जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उनका आंसर करेक्ट, ठीक है, मैं अगले वीडियो में जब जो चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो आएगी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें मैं उनके नेम को शाउट आउट देने वाला हूँ, ठीक है, चलो हाँ चलो, एनिमल्स आर क्लासिफाइड 26th क्वेश्चन, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्किकल ग्रुप्स, हायरार्किकल ग्रुप्स, ओके ये बिल्कुल ठीक है, ओके ये सेंटेंस है, इन विच ग्रुप इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, बताओ 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 बताओ, देखो मैं अभी यहां पर ऑर्डर लिख रहा हूं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, चलो आपको याद ही करा देते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, रिकॉल करो, दोबारा रिकॉल करो, यू कैन डू इट, यस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, चलो ठीक है, अच्छा बात है। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मतलब ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाएंगी, तो चलो लेट अस चेक, लेट अस चेक, अगर आप देखो, अगर मैं इस स्पीशीज वाले ग्रुप में हूं,
स्पीशीज, तो उसमें एक मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो स्पीशीज है। अगर मैं जीनस पे जाता हूँ तो ये स्पीशीज से मिलकर जीनस बनाए ना, बहुत सारी रिलेटेड स्पीशीज आई, यानी कि इस वाले ग्रुप से, रुको दोबारा, ये इससे मिलकर बना है, यानी कि ये जो ग्रुप है ना जीनस, इसमें स्पीशीज से ज्यादा स्पीशीज होंगी, स्पीशीज वाली ग्रुप से ज्यादा स्पीशीज किस में होंगी, जीनस में। अच्छा चलो जीनस की बात हो गई, अब जीनस में ज्यादा स्पीशीज हैं। अच्छा अगर जीनस में ज्यादा स्पीशीज हैं, जीनस किससे बना है, रिलेटेड स्पीशीज से, अच्छा ठीक है ओके। अगर मैं यहां पर देखूं कि जीनस से मिलकर बना फैमिली, जीनस से मिलकर बना फैमिली, तो जीनस में स्पीशीज थी, लेकिन वो स्पीशीज मतलब रिलेटेड जीनस मिलकर बना रहे हैं फैमिली, यानी कि ये जो फैमिली वाला ग्रुप है ना, ये जो फैमिली वाला ग्रुप है ना, इसमें जीनस से भी ज्यादा स्पीशीज होंगे। यानी कि जैसे जैसे तुम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाओगे, मतलब ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर जाओगे, तो नंबर ऑफ स्पीशीज विल इंक्रीज, कॉमन सेंस है ना। तो यानी कि ये चारों ऑप्शन में जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हो वही इसका आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं कौन होगा इसका आंसर, बताओ। फाइलम शुड बी द आंसर, फाइलम इज द हाईएस्ट कैटेगरी आउट ऑफ दीज ऑल ऑप्शंस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग करेक्ट हायरार्किकल अरेंजमेंट फॉर प्लांट्स, ये याद रखना प्लांट्स के लिए, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हाँ चलो चलो चलो, प्लीज प्लीज, डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखो, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बताओ, बड़े से छोटा। चलो ठीक है आ जाओ, बताओ जल्दी बताओ। ऑर्डर मैंने आपको याद करा दिया, दोबारा याद करा देता हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। अच्छा लेकिन प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह पर डिवीजन आ जाएगा, तो किंगडम, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, करेक्ट आंसर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा था तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं इन टैक्सोनॉमी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इज नोन एज, कैटेगरी यार कैटेगरी पे ध्यान दो, क्या होगा कैटेगरी, फाइलम हो गया, वही सीन है, तो इसका आंसर हायरार्की होना चाहिए, इसका आंसर हायरार्की होना चाहिए, ठीक है आगे बढ़े। चलो हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की वॉज फर्स्ट गिवन बाय लीनियस, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर नॉट यूज्ड बाय लीनियस, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी, देखो मतलब पहले जब लीनियस ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिस्कवर करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी, तो केवल पांच हायरार्की थी, पांच कैटेगरी थी, ठीक है, अभी सात हैं, लेकिन पहले पांच थी, ठीक, तो पहले पांच थी और अभी सात हैं, तो पहले कौन तीन नहीं थी वो बताना है। अच्छा तो इसका आंसर है किंगडम, फाइलम और फैमिली, ये पहले नहीं थी, फाइव कैटेगरीज में ये इंक्लूडेड नहीं थी। देखो वैरायटी थी, एक ये था, वैरायटी को रिप्लेस किया गया, ठीक है ओके। चलो तो इसका आंसर किंगडम, फाइलम एंड फैमिली, सी ऑप्शन, ठीक। अच्छा फिर से मैचिंग आ गई, आ जाओ ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पर ना वीट का आपको पता होना चाहिए कि पोएसिए है, अभी देखा था यार, जब शुरू में अपन ने क्वेश्चन अटेंड किया था तो वीट का पोएसिए होना चाहिए, यानी कि डी का वन होना चाहिए। चलो अब अपन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, डी का वन ठीक है, ये डी का टू है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा डी का वन होना चाहिए, डी का वन होना चाहिए, यानी कि ये भी एलिमिनेटेड एंड ये भी एलिमिनेटेड, ठीक है। अच्छा मैन का भी पता होना चाहिए कि होमिनिडे है, यानी कि ए का फोर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, दोनों ऑप्शन में ए का फोर है। दतुरा, दतुरा होता है भैया सोलनेसी, दतुरा की जो फैमिली होती है दैट इज सोलनेसी, यानी कि बी का थ्री होना चाहिए। अच्छा ए का फोर, बी का थ्री, सी का टू, डी का वन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे देखा करो, ऐसे आंसर आ जाएगा, जस्ट ट्राई टू अटेंड द
क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ। चलो देखते हैं एक एक करके। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, क्या कर रहे हो? ये सेंटेंस क्या कह रहा है? म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भैया उसके स्पेसिमेंस होते हैं, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के म्यूजियम में। तो आंसर तो इसका यही मिल गया अपन को, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, देखो तो ये करेक्ट नहीं है, तो यही आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लो। अच्छा, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, बिल्कुल सही। ओके, टैक्सोन रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ये भी सही है। फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, देखो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीन्स, बिल्कुल सही। जेनरा प्लूरल है जीनस के लिए, ठीक है। अच्छा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड फाइला, दोबारा देख लो, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, यानी कि रिलेटेड ऑर्डर फॉर्म करेंगे क्लास और रिलेटेड क्लास फॉर्म करेगा फाइलम। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि है क्लास, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड फाइला, ना भैया रिलेटेड फाइला किंगडम फॉर्म करेंगे और रिलेटेड ऑर्डर क्लास फॉर्म करेगा और रिलेटेड क्लास फाइलम फॉर्म करेगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके, अच्छा ठीक है, तो ऑफ द अबव स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हैं? 1, 2, 3 करेक्ट हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन नंबर 34, हाँ भैया नंबरिंग में गलती हो सकती है टाइपिंग में, ठीक है तो देख लेना जरा। हाँ चलो, विच टैक्सोनॉमिक टर्म, नंबरिंग से करना भी क्या है, क्वेश्चन देखो ना, विच टैक्सोनॉमिक टर्म पूछ रहा है, मे बी सजेस्टेड फॉर एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोन, अभी ये जिसको आंसर नहीं आया ना भैया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, है ना। चलो, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इज रॉन्गली मैच्ड, बताओ। मेरे को तो भैया देखते ही दिख गया, ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा किसका होता है? ह्यूमंस का, ना कि हाउस फ्लाई का, ठीक है, ह्यूमंस का होता है, हाउस फ्लाई का नहीं होता। ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेट्स में ह्यूमंस आएंगे, ठीक है, और जो हाउस फ्लाई का ऑर्डर होता है वो डिप्टेरा होता है, ठीक है। चलो, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वो रॉन्गली मैच्ड पूछ रहा है ना, तो रॉन्गली मैच्ड यही है। चलो, हर्बेरियम शीट्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट, अच्छा हर्बेरियम शीट्स पे क्या होता है, प्लांट का एक ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होगा, है ना, तो उसके अब उसको शीट पर लगाया जाएगा, वो हर्बेरियम शीट होती है ना, तो अब उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो पूछ रहा है। अच्छा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन बिल्कुल होता है, इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम, हाँ होता है, फैमिली होता है, कलेक्टर नेम होता है, बिल्कुल होता है, यही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और भी पढ़ लो, देख लो, मैं बता देता हूँ, पढ़ के देख लो, आ जाओ। टाइम नहीं होता तो ये तो मर गया, टाइम एंड प्लेस तो हो ही नहीं, मतलब प्लेस होता है लेकिन टाइम नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो मर गया। अच्छा, डेट एंड टाइम, यहाँ भी टाइम, तो ये भी मर गया। चलो, ठीक है। अच्छा, डेट एंड प्लेस हाँ होता है, इंग्लिश लोकल, एक मिनट, इंग्लिश लोकल बोटानिकल नेम होता है लेकिन ऑर्डर नहीं होता, तो ये भी मर गया, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े। हाँ, हु इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, एनसीईआरटी में गिवन है। द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया था, बताना कौन था वो साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट था अर्नस्ट मायर, ठीक है, उसको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक, जिनको नहीं पता वो लिख लो, ICBN stands for, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल nomenclature, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल nomenclature means, आए हाय कितना सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं। वन नेम गिवन बाय टू taxonomist, अरे हटो यार, टू नेम्स द लैटिनाइज्ड अदर ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल नहीं, टू नेम्स वन साइंटिफिक अदर लोकल, क्या बकवास बात है। टू वर्ड नेम वन इंडिकेट जीनस एंड अदर स्पीशीज, बिल्कुल सही। दो वर्ड नेम होता है, दो शब्दों का नेम होता है जिसमें एक जो है वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है वो स्पीशीज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक।
तो इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या है? डी। चलो अब देखो यार क्या नंबरिंग है, यहाँ पर 11 आ गया है ना, तो नंबरिंग पे मत जाना। हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, अंडरलाइन द वर्ड करेक्ट। चलो तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक, ये तो रॉन्ग हो गया। अच्छा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर। देखो यहाँ पर ये रिलेटेड स्पीशीज गलत यूज कर लिया। फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जीनस, ठीक है। अच्छा तो ये भी गलत हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। ट्रिटिसम एस्टिवम कम्स अंडर द ऑर्डर सैपिंडेल्स। अच्छा अगर आप देखोगे ना तो ट्रिटिसम एस्टिवम इज द नेम फॉर वीट, और वीट का ऑर्डर पोएल्स होता है, अभी अपन ने देखा ना। और ट्रिटिसम एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम फॉर वीट, क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में कि द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट इज, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको बताया है। वो शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हैं, तो डर मतलब डर मत जाना, आपसे पूरे ना होना तो उनमें से केवल वो छांट छांट के वो कर लेना जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में जो है वो जरूर से जरूर करना है, कंपलसरी है, ठीक है। चलो 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 तो ये भी गलत हो गया, ऑर्डर पोएल्स होना चाहिए। अच्छा डी ऑप्शन पढ़ते हैं। एन ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस, एन ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस, दोबारा मतलब देखते हैं। फाइलम हो गया, सॉरी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर यानी कि रिलेटेड ऑर्डर विल फॉर्म क्लास, नॉट रिलेटेड क्लास विल फॉर्म ऑर्डर, राइट। हाँ तो ये भी गलत है, यानी कि अब ये सही है, जब ये बचा है तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं बिना चिंता किए, ठीक है। चलो चलो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग करेक्ट हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया, छोटे से बड़ा। चलो 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 देखते हैं। किंगडम, ना 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 ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये छोटे से बड़ा नहीं है ना, ये छोटे से बड़ा था लेकिन ये देखो किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं आ सकता, किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं आ सकता। सी ऑप्शन देखते हैं। अरे अरे ये तो बड़ा पहले ही आ गया, छोटा सबसे पहले आना चाहिए, डी बचा है तो यही होना चाहिए। एक बार चेक कर लो, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बिल्कुल सही। उल्टे से चेक कर रहा था मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे याद है मेरे को। चलो चलो ठीक है, ओके डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 43, विच पेयर ऑफ प्लांट्स आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलनेसिए। तो सोलनेसिए में अपन ने देखा था कि दतुरा तो था, यानी कि ये दो ऑप्शन तो मर गए, दतुरा होना चाहिए। अच्छा दतुरा के अलावा पेटियोनिया भी सोलनेसियाई में आता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। पेटियोनिया भी लिख लेना, सोलनेसियाई में आता है। वैसे आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखोगे ना तो वहाँ पर सोलनेसियाई के बारे में डिटेल में दिया है, तो पढ़ लोगे। चलो चलो, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI सिचुएटेड इन, इंडिया में ही है, बताओ कहाँ पे होता है। देखो कोलकाता और हावड़ा में तो वो है इंडियन बोटैनिकल गार्डन, इंग्लैंड में तो हो नहीं सकता, तो लखनऊ में, ठीक है, इंग्लैंड में हो नहीं सकता, इंग्लैंड में, इंडिया में है ना जब NBRI, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। चलो, प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, बहुत ज़्यादा तगड़ी, एनिमल्स के केस में बात करी जाए तो, हाँ एनिमल्स के केस में, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टैक्सोनॉमिकल एड इज ट्रू, ट्रू पे अंडरलाइन करें और फिर क्वेश्चन पढ़ें। हाँ, कीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। हाँ बिल्कुल, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी कंपैरिजन करके कीज आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लोरा कंटेन्स द अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट वैसा का वैसा, ऐसा का ऐसा NCERT बुक में भी है, ऐसा का ऐसा, सेम टू सेम, ठीक है। फ्लोरा प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, फ्लोरा प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज, या बिल्कुल 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 ये भी सही है। मोनोग्राफ्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, ये गलत है,
एनसीईआरटी में देख लेना, मोनोग्राफ की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। अच्छा तो ये गलत है, यानी कि 1, 2, 3 सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो। ऑर्डर जनरली एंड्स विथ सफिक्स, जैसे ये भी आई थिंक सो एनसीईआरटी में शायद दिया है, पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं दिया शायद। चलो तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ए एल ई एस से सफिक्स जो है ना उससे एंड होता है, जैसे कि ऑर्डर सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स इन द केस ऑफ मैंगो, मैंगो का ऑर्डर क्या होता है सैपिनडेल्स, वीट का ऑर्डर क्या होता है पोएल्स, ठीक है, तो ए एल ई एस से एंड कर रहा, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक, बी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको शुरू में बताया था कौन था, रॉयल बोटैनिकल गार्डन, क्यू लंडन, ठीक, रॉयल बोटैनिकल गार्डन। चलो चलो चलो, अच्छा अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं, अभी तो हैं, चलो चलो, तो कहाँ थे अपन, 49। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय, बताओ, कैरलेस लीनियस यार, कैरलेस लीनियस। चलो, हु वॉज अवॉर्डेड विद ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, वही अर्नस्ट मायर, अर्नस्ट मायर, ठीक है, याद रखना, हाँ, फॉर स्टडींग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ हनी बी इज द साइंटिस्ट हु वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज वॉज, ये आई थिंक हाँ कि स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कौन अटेंड करता है, लेट अस सी, कमेंट में आंसर लिखो जल्दी फटाफट, कौन है इसका हकदार, इस क्वेश्चन के सही आंसर का हकदार कौन सा ऑप्शन है, बताओ जल्दी, लेट अस सी, लेट अस सी कौन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्ल वोन फ्रिश, ठीक है, फ्रिस्क बोलोगे या फ्रिश बोलोगे, आई पता नहीं यार क्या प्रोनंसिएशन है इनका, आई एम सो सॉरी कि प्रोनंसिएशन मेरा गलत हो, लेकिन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सब नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, बिल्कुल सही बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रोवर्सी टाइप, कॉन्ट्ररी यानी कि आप ऐसे लेके चलो कौन गलत है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है आप ये लेके चलो, चलो देखते हैं। The names are written in Latin and are italicized. Okay, they are written in Latin. Okay, okay. चलो. When written by hand, the names are to be underlined. बिल्कुल सही. C option पढ़ते हैं. Biological names can be written in any language. ये गलत है. Biological names cannot be written in any language. They should be Latinized, right? Latin में लिखे जाते हैं. चलो चलो, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज कॉन्ट्ररी, राइट, कॉन्ट्ररी है ये। चलो, हु इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th, कम ऑन यार, अभी तो करा था, सी ऑप्शन, अर्नस्ट मायर। चलो, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, देखो लोकल नेम होता है, हाइट देखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, बचा हाइट, तो ये इसका आंसर हो गया, हाइट नहीं होता, हाइट हर्बेरियम शीट पे नहीं होता, हर्बेरियम शीट की लेबल पे हाइट की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, ठीक है। चलो, स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स, अब रुको कितने बचे, अब देखने दो, एक दो, द लास्ट टू क्वेश्चंस, अब देखो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ लो फटाफट, आई एम गिविंग यू टाइम। चलो, ये 55 और ये जो 56 क्वेश्चन है, ये दोनों आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है, जो तीन बच्चे सबसे पहले बताएंगे उनका नाम शाउट आउट, ठीक, अगले वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई विल डू, ठीक। चलो चलो, देखो, स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम, और वैसे इसका PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, PDF आपको वहीं पे मिल जाए, वहाँ पे आपको सारे के सारे मटेरियल जो भी है वो मिल जाए, तो ज्वाइन। तो चलो यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग,
क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग।